दूसरा काउंटर है आपका आईआरएफसी। तो आईआरएफसी का जो है वो आपको होल्ड करने की सलाह रखेंगे। आईआरएफसी में यहाँ से भी एक मोमेंटम करीब करीब अपने बनता हुआ दिखेगा, और ये काउंटर करीब करीब आपको 180 से 190 के लेवल जो है वो दिखा सकता है। स्टॉप लॉस इसके अंदर 128 का बना के रखिए और होल्ड करिए। ठीक है, तो अहम रणनीति आपके स्टॉक पर होल्ड करने की सलाह, लेकिन स्टॉप लॉस का खास तौर पर ध्यान तो रख। आपकी बहुत बड़ी फैन है। और दूसरा इनका सवाल ये है कि बहुत बहुत धन्यवाद। IRFC के 2,200 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 30 रुपए पर, प्रॉफिट बन रहा है सॉलिड। बहुत बढ़िया प्रॉफिट बन रहा है, और आई थिंक थोड़े काफी प्रॉफिट में लेट तक खड़े रह गए हैं, बट अभी भी लकी हैं कि काफी डिसेंट प्रॉफिट है। आई थिंक इसके तो सेल सिग्नल्स 180 के आसपास आ गए थे, और मुनाफा बांधने की हमने इसके इसमें पहले भी राय दी हुई है, क्योंकि ये सारे हमारे भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चले हुए स्टॉक्स हैं। 30, 40, 50, 60 रुपए तक हमने इनको बहुत अच्छे से लाइक किया, बट अब बहुत ज्यादा चल गए। मेरी राय तो रहेगी कि थोड़ा मुनाफा बांध लें, 1/3 बेच दें, 2/3 इनका फ्री हो जाएगा। 2/3 में तो ऑलमोस्ट नेगेटिव कॉस्ट ऑफ कैरी हो जाएगी, 1/4 बेचेंगी तो भी इनका 3/4 फ्री हो जाएगा, 1/4 बेच के कैपिटल निकाल लें। ये इंटरेस्ट।